कोरोना कर्फ्यू के कारण दूसरे जिलों में फंसे मजदूर, छात्र, नागरिकों को सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन दी जानी चाहिए और उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जानी चाहिए, साथ ही उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाए। ऐसी मांग चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा सरकार से की गई है। विदर्भ के कई लोग पुणे, औरंगाबाद, मुंबई में रोजगार के लिए गए थे। इनके अलावा विदर्भ के कई विद्यार्थी भी इन शहरों में फंसे हुए हैं। इसके कारण वे अपने घर नहीं पहुँच सके। राज्य सरकार से निवेदन है कि इन सभी जिलों में विद्यार्थियों और मजदूरों के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाए और इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर इन्हें इनके घर सही सलामत पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। यह मांग राज्य के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र सरकार से की है। विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातील रोजगाराकरता मुंबई, पुणे, औरंगाबाद कडे गेलेले नागरिक, शिक्षणाकरता गेलेले विद्यार्थी हे विदर्भाच्या बाहेर अडकलेले आहेत। लॉकडाऊनमुळे ते घरी पोहोचू शकले नाही। राज्य शासनाला माझी विनंती आहे, त्या त्या जिल्ह्यामध्ये एक हेल्पलाईन सुरू करून त्या सर्व कामगारांची आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून त्यांना सर्वांना त्यांच्या घरी सुखरूप पोहोचवून देण्याची व्यवस्था उभी करावी। आरोग्याची तपासणी करून घ्यावी, गरज पडली तर त्या त्या गावात त्यांना होम क्वारंटाईन करण्याची व्यवस्था करावी। परंतु विदर्भातील या नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी नेऊन देण्याबद्दल तातडीने राज्य शासनाने कारवाई करावी अशी विनंती माननीय उद्धवजी ठाकरे आणि गृहमंत्री यांना मी करत आहे। उन्होंने कहा है कि इन सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए, अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें होम क्वारंटाइन भी किया जाए। लेकिन विदर्भ के इन सभी विद्यार्थियों और मजदूरों को वहां से उनके घर पहुंचाने की कार्रवाई जल्द से जल्द सरकार द्वारा करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज, नागपुर।